कृषि बिलों को लेकर किसान और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। केंद्र की मोदी सरकार बिलों को वापस नहीं लेना चाहती है, तो उधर किसानों को बिल वापसी से कम मांगे मंजूर नहीं है। यही वजह है कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली के बाद एक बार किसानों ने केंद्र के सामने चक्का जाम करके ताकत वाली चेतावनी दी है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का जाम रहा, जिसमें नेशनल हाईवे पर ट्रकों के साथ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बंद को कांग्रेस के समर्थन ने ताकत दी, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये तीन कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक है। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद ही सरकार हरकत में आई। यहां तक कि टीकरी बॉर्डर, सिंघू, गाजीपुर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, तो दिल्ली में बंद नहीं होने के बावजूद भी 50,000 जवानों की तैनाती अलग अलग जगह पर की गई। मेट्रो को भी बंद कर दिया गया। ड्रोन से मॉनिटरिंग के साथ साथ आंदोलन पर पूरी नजर रखी गई। हालांकि देश भर में बंद शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इस बंद का असर असम से लेकर हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में देखने को मिला। 3 बजे बाद किसानों ने एक बार फिर केंद्र की सरकार को चेताया और ऐलान किया कि कृषि बिलों को वापस लेने से पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में अब किसान यात्राएं करेंगे। अभी तो चल रहा आंदोलन, अभी सलाह करेंगे, अक्टूबर तक चलेगा। अभी हमारा ये है कि बिल वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, यही हमारा क्लियर हुआ है। लेकिन सरकार को कोई बात करनी है, कोई नया कोई प्रस्ताव है सरकार को, तो वहाँ पे भेजा जैसे पहले भेजा उन्होंने। गणतंत्र दिवस के प्रदर्शन के बाद आज के बंद को लेकर प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए थे। हालांकि बंद शांतिपूर्ण और सफल रहा, तो इस दौरान किसानों ने आम लोगों को खाना खिलाया और परेशानी के लिए माफी भी मांगी। लेकिन अब देखना होगा कि किसान आंदोलन अब किस मोड़ में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
जनता स्वागत है आपका, केंद्र आप देख रहे हैं खास खबर में। हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, शांतिपूर्ण रहा 3 घंटे का जाम और 26 जनवरी को जिस तरह की स्थितियां हुई थी उससे निपटने के लिए सरकार भी अलर्ट मोड पे थी, लेकिन किसानों ने भी काफी ये कह सकते हैं हिंसात्मक तरीके से और दोनों ही बातें अपने जो आंदोलन का हाथ में लिया था उसे भी पूरा किया और कहीं किसी तरह की कोई घटना भी नहीं हुई। केवल एक पलवल के लिए जो जरूर बताया जा रहा है हल्की सी कोई झड़प हुई है, बाकी पूरे देश में शांतिपूर्ण रहा। तो चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा के सीनियर लीडर और राजस्थान विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जी जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए काम कर रही किसान आंदोलन से जुड़ी मीनाक्षी शेरावत हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं और अन्य गेस्ट भी हमारे साथ रांची से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मृग्या मुकाम किसान नेत्री हैं, ये गुरुग्राम से जुड़ेंगी और यश गोयल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जयपुर से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं मीनाक्षी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ओवरऑल अगर हम बात करें 2 अक्टूबर तक का समय दिया है सरकार को एक साथ बात करके, टिकैत ने जो अभी अनाउंस किया कि 2 अक्टूबर तक का सरकार के पास में टाइम है कि बिल को विड्रॉ करें, लंबा समय दे दिया, अभी फिर क्या रहेगा तब तक? धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे या फिर एक बार के लिए सब लौट जाएंगे, 2 अक्टूबर का इंतजार करेंगे? नहीं देखिए, लौटने वाले तो हम नहीं है और 2 अक्टूबर तक का जो टिकैत जी ने हमें समय दिया है, जो भारत सरकार को समय दिया है, इस दौरान हम अपने हर प्रांत में, हर क्षेत्र में जाकर क्षेत्रीय लोगों से हम बात करेंगे, इसकी अवेयरनेस हम फैलाएंगे। जो सरकार कहती है कि ये कानून हमारे कृषि, जो कानून हमने काले कानून का नाम हमने दिया है, इसका जो प्रभाव हमारी आम जनता पर पड़ेगा, आज हम अपने जनता के बीच में जाके अपना पक्ष रख रहे हैं कि किस तरह से ये हमारे कृषि कानून हमारी जनता पर इफेक्ट करेंगे, उनको अवेयरनेस करना, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अब तक जो है हमें 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने इस आंदोलन को हम चला रहे थे, उसमें अचानक से 26 जनवरी पर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें एक विलेन की तरह बताया गया, उसको दिखाया गया पूरी जनता के सामने, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा किसान अपने हक की लड़ाई के लिए संयम और अनुशासन में इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनका नाम खराब ना हो, जनता के सामने उनकी छवि खराब ना हो, हम उनको अवेयर कर रहे हैं और जनता का सहयोग भी हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। जी चलिए आऊंगा आपके पास वापस, मैं मदन राठौड़ जी का रुख करना चाहूंगा। मदन जी, कांग्रेस भी साथ में थी और पूरा ओवरऑल हम देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से रहा, 26 जनवरी की घटना से प्रशासन ने भी सबक लिया है और किसानों ने भी लिया है, ऐसी कोई घटना नहीं मिली। 2 अक्टूबर तक का सरकार को टाइम दिया है कि 2 अक्टूबर तक सरकार वापस ले, नहीं तो फिर आंदोलन और बड़े रूप में होगा। तो सरकार के साथ में डायलॉग जो जारी था, सरकार भी कह रही है कि हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन दरवाजे जैसे पहले 11 दौर की बैठक के रहे वैसे दरवाजे खुले रहेंगे या फिर कुछ कदम आगे सरकार बढ़ेगी, कुछ कदम आगे किसान बढ़ेंगे, ऐसा कुछ होगा? क्योंकि ये देश भी जानना चाहता है कि आखिर इन कानूनों का होगा क्या, सरकार अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, तो कोई तो रास्ता निकलेगा? देखिए, जब ये सब जानते हैं इस बात को कि सरकार कोई जल्दबाजी में नहीं है, सरकार शांति से इस कानून को समझाने के लिए तैयार बैठी है और किसानों की बात को भी सुनने के लिए तैयार है कि कौन सा बिंदु है जिस पर किसान को ऐतराज है, वो बात भी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अभी तक ऐतराज की बात बता नहीं पाए एक भी, वो तो केवल एक बात पर अड़े हैं, वापिस ले लो, वापिस ले लो, वापिस ले लो। और जब सरकार ने लागू ही नहीं किया, सरकार खुद जल्दबाजी में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया, तो फिर ये आंदोलन किस बात का है, मुझे ये समझ में नहीं आया। इनको कोई बिंदु ये बताने के, मतलब इनको किस बात पर ऐतराज है? जब उनको छूट है कि आप अपने MSM मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर माल बेचने को तैयार है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया सरकार ने, वो भी तय कर दिया, फिर क्या चाहिए इनको, वो कौन सा विकल्प चुने ये इनके हाथ में है। जब किसान को सारे विकल्प है और पहले वाला विकल्प जारी रहेगा, उसको कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जमीन पर किसी का अधिग्रहण नहीं होगा, ये सब बातें तय हो गई, ये सरकार ने घोषणा कर दी, फिर भी पता नहीं क्यों ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नेतृत्व विकसित करने के लिए, और इसलिए ये सब लोग चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आम किसान इससे जुड़ा हुआ नहीं है, आम किसान समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐतराज किस बात का कर रहे हैं, किसान तो खुश है, ये केवल ऐसे किसान जो
हाई लेवल के जो होते हैं अपने आप को बहुत सुप्रीमो समझते हैं, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक एक करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ की गाड़ियों में आने वाले किसान हैं, जो अभी जैसे मीनाक्षी जी की बात मैं जवाब देना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं शांति पूर्वक था। अरे शांति पूर्वक था, हिंदुस्तान की नाक कटवा दी उन सिर फिरे लोगों ने जिन्होंने वहां पर झंडा, जहां पर तिरंगा झंडा होना चाहिए था वहां पर ये अपना झंडा लहराने लगे। क्या हिंदुस्तान से इनका लगाव नहीं है क्या? ये खाली कहां ले जा रहे हैं इस आंदोलन को? आप बात करिए ना, सरकार जरा दौर पर बात हो चुकी, लेकिन वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस सरकार अपने मुद्दे बात पे अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और तोमर साहब ने साफ कह दिया कि केवल एक स्टेट के किसानों का आंदोलन है पंजाब के, दूसरे लोग जबरदस्ती इसमें जुड़ रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। और सरकार ये भी बार बार कह रही है कि ये कानून वापस नहीं होंगे, और ये भी कहती है कि इतने साल के लिए हम फ्रीज कर देते हैं इसे। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि हर आम आदमी भी मुझे लग रहा है कि अभी इस आंदोलन से थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, किसी को हाईवे यूज करना है, कब क्या बंद हो जाए, किसी के एग्जाम्स हैं, किसी के क्या है, लंबा समय हो चुका है। आई थिंक मोदी साहब के कार्यकाल का तो इतना बड़ा आंदोलन शायद यही होगा, अभी तक कितने इतने बड़े लंबे समय तक धरने भी नहीं दिए हैं लंबे समय तक। तो कुछ आपको लग रहा है कि सरकार भी आगे बढ़ेगी, किसान भी आगे बढ़ेगी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा 11 मीटिंगों की तरह ये धरने प्रदर्शन और किसान का सरकार का रुख? आज जिस तरह से योगेश जी, जिस तरह से आज टिकैत ने कहा है कि हम 2 अक्टूबर तक जमे रहेंगे और सरकार भी मानने को तैयार नहीं हो रही है, सारी बातें जैसा और साथियों ने भी कहा है सरकार तैयार है अमेंडमेंट करने के लिए, वो ही अपने अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही मांग पड़े हुए हैं कि इसको तीनों को रिपील किया जाए। कोई बात नहीं, अभी आज एक बहुत अच्छी न्यूज है जो शायद आप लोगों ने ना पढ़ी हो, वो ये है कि आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, भोपाल में पीटीआई की न्यूज है ये, और वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, रघुनंदन शर्मा, सब जानते होंगे उनके बारे में। उन्होंने बहुत अच्छी बात टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है एरोगेंस ऑफ पावर हैज गॉन टू योर हेड, आरएसएस लीडर टेल्स यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उन्होंने कहा हमारा जो मुद्दा है वो नेशनलिज्म का है, राष्ट्रीयता का है, जब लोग कपड़े ही नहीं पहनना चाहते तो आप कपड़े क्यों पहना रहे हो, उन्हें इसलिए थोप रहे हो। उन्होंने बहुत साफ कहा है योर इंटेंशन माइट बी हेल्पिंग हेल्पिंग द फार्मर्स बट इफ सम पीपल डोंट वांट टू बी हेल्प व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग सच गुड थिंग्स, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, और देश और इससे आपको आपको रिग्रेट करना चाहिए। ये रघुनंदन जी 72 ईयर्स के आरएसएस के लीडर हैं, भोपाल से हैं, पीटीआई की न्यूज है, ये सिस्टम्स पे चल रही है, उन्होंने ये कहा है, जो इनकी ही संगठन ये कह रही है कि जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है, जब लोग नहीं चाहते तो क्यों कर रहे हो। ये मुख्य बात यही है कि जबरदस्ती चीजें लागू करने वाली हैं, ये भी एक विकल्प हो सकता है कि केंद्र सरकार ये कहे कि जिन राज्यों को नहीं पसंद है, शायद वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, तो वो ना लगाए। हरियाणा नहीं है कांग्रेस रूल्ड स्टेट, यहाँ यहाँ गोयल साहब एक सवाल हो रहे हैं, गोयल साहब एक सवाल हो रहा है मेरा जी। अभी जो नौ दौर की वार्ता के बाद जब बात आई कि 1.5 साल के लिए हम फ्रीज कर देते हैं कानून को, यहाँ भी एक किसी एजेंसी के माध्यम से या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आई थी कि भारतीय किसान संघ, जो अग्रिम संगठन की तरह है आरएसएस का, उन्होंने भी इस बात में पहल की है कि बहुत लंबा हो चुका है, देश के किसान है बहुत लंबे समय तक इतनी बड़ी कड़कड़ाती उसमें सर्दी के अंदर अगर बैठे हैं तो थोड़ा मैसेज अच्छा नहीं जाता है, सरकार को इस पे कोई फैसला जल्दी करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि धीरे 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 जो समान विचारधारा के लोग हैं जैसे आरएसएस और बीजेपी, हालांकि एक ही बात है लेकिन बीजेपी से खारिज करती है, तो धीरे धीरे कुछ अंदरूनी खाने में इस तरह के अभी अंकुरित होने लगे हैं विरोध के सुर कि बिल्कुल अब सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, बहुत लंबा आंदोलन होगा, 2 अक्टूबर तक अगर किसान ऐसे ही टिके रहे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा इससे। नहीं सही कह रहे हैं आप, ये जैसे आज आरएसएस ने जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस जुड़ूंगा आपके पास में, एक बार वापस मीनाक्षी जी का रुख करना चाहूंगा। मीनाक्षी आपने सुना अभी मदन राठौड़ साहब ने क्या कहा,
लग्जरी गाड़ियों में जो लोग बैठ करके गए हैं वो लोग छोटे किसानों को गुमराह करके धरना स्थल पर लेकर के आए हैं और उनको पता भी नहीं है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, आप देखिए हमारे किसान जो है देहात से निकल कर आकर बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया। वो बॉर्डर पे नहीं बैठना चाहते थे, वो दिल्ली के अंदर आना चाहते थे, हमारे जंतर मंतर पर धरना करना चाहते थे, जो कि हमें वो स्पेस दी गई है। हम वहां पर हमारी भारत सरकार की तरफ से हमें वो स्पेस मिली है जहां पर हम आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, पर हमें दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया गया। उस जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, हम दिल्ली में एंटर करने लगे, उसी वक्त से इन्होंने सड़कें खोद दी, बैरिकेड्स लगा दिए। क्या इन्हें उस चीज का अंदेशा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये पूरे देश व्यापी आंदोलन में बदल जाएगा? ये जानते थे किसान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, किसान को कोई रोक नहीं सकता। ना तो किसान की कोई जाति है, ना किसान का कोई धर्म है। हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जातिवाद फैला गया तो सरकार की तरफ से फैलाया गया। किसान ये तो इतने सीनियर लीडर हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं इसको एक धर्म का आंदोलन ना बनाएं, इसमें जातिवाद बीच में ना लाएं। और बहुत अच्छी डिबेट है, हम पूछना चाहते हैं जहां भी आंदोलन होता है, जहां भी प्रोटेस्ट होता है, वहां पर ये हमें कुचलने की कोशिश करते हैं। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने उन पर जो है लालछन लगाए, उनको आतंकवादियों का इन्होंने नाम दिया। अगर हम अपनी जो है हमारी जितनी भी सोसाइटीज हैं, अगर वो बाहर निकल के आती हैं, माइनॉरिटीज अगर निकल के आती हैं, कुछ आवाज उठाती हैं, वह किसी को जो है आतंकवादियों का नाम दे देते हैं। आज किसान जिनके बच्चे इनकी सेना में हैं, जो बॉर्डर्स पर खड़े हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और उन परिवारों के अगर बुजुर्ग अपने हक की लड़ाई के लिए राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं तो उनको रोका क्यों जाए, उसका क्या कारण है? जहां इन्होंने झंडे की बात करी तो मैं इनको पहले भी जो है मैं कहती हूँ सीनियर लीडर है, उस झंडे का किसी ने अपमान नहीं किया। हमारे बीच में उपद्रवी जो है जिस तरह से घुसाए गए, हमारे आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, वो सर जानते हैं, वो मीडिया के सामने भी आ चुका है, वो किसके भेजे हुए थे, उन्होंने किस तरह से इसको जो है लाल किले तक ये गए हैं, उनको रोकने के लिए हमारी दिल्ली पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। मीनाक्षी जी वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस लौटूंगा, गोयल साहब का, डॉक्टर गोयल साहब का वापस मैं रुक करना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा। वो बात रह गई थी अपनी अधूरी की, रघुनंदन जी से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ और बाकी बड़े एक ये कह सकते हैं कि रचनाकार जो लोग रहे हैं मोदी साहब के पहले कार्यकाल में, उनमें से एक वो भी रहे हैं। तो जैसे भारतीय किसान संघ की मैं बात कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि लंबा आंदोलन हो गया किसानों का, अपने ही देश के लोग हैं तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट सभी लोगों का है उनसे, और सरकार को कौन खारिज कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सरकार पे भी जो इंटरनल सिस्टम है इनका, उससे भी प्रेशर आ सकता है, चाहे वो आरएसएस हो सकता है, उन्हीं के जो संगठन किसान संघ है या फिर मजदूर संघ है, वो लोग भी थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं कि अभी इस पे कुछ उनको डिस्पोजल करना चाहिए इस मुद्दे पर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये असल में जो इंटरनल बिकरिंग है बीजेपी आरएसएस और दूसरे संगठनों में वो दिख रही है। और एक दूसरा तरीका ये भी है जो बीजेपी का कई बार नोट किया गया, जहां जहां इनकी रूलिंग सरकार होती है कि मुद्दे होते हैं यूपी के, नेता बोलता है बॉम्बे में, मुद्दा है बॉर्डर ये किसानों का, बोल रहे हैं भोपाल से, वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक की न्यूज उठा करके सिस्टम्स में लाई जा रही है, तो इस तरह का व्यवहार। अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा जब से टिकैत साहब के आंसू बहे और सारी किसान वापस लौट करके आए चारों तरफ से, और सरकार को कीले ठोकनी पड़ी, बैरिकेड्स लगाने पड़े ऊंचे ऊंचे, कम से कम लंबे लंबे चौड़े चौड़े, सरकार बैकफुट पे है। मेरा तो एक्सपीरियंस गोयल साहब आपसे कम है, आपने तो बहुत वो इमरजेंसी भी देखे हैं, आंदोलन देखे हैं। हाँ, तो ये भी एक चर्चा है कि ऐसे भारी भरकम बैरिकेटिंग, कीले लगाना, सरिये लगा देना, ऐसे फेंसिंग करना वायर्स की, ये कभी हमने देखा नहीं कि किसी को बल्लियां लगाई जाती है, नहीं सुने, बैरिकेटिंग कर दी जाती है, मजबूत बैरिकेटिंग होती है 3 लेयर्स की, लेकिन इस तरह की नहीं कि 12 लेयर के इस तरह से सरिये लगा दिए जाएं, कील ठोक दी जाए। आपने आपने वो देखा होगा बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन क्या हालत था दिल्ली की, कोई अंदर ही नहीं घुस सकता था। अच्छा, 2-3 वो चीजें याद हैं अच्छी तरह से हमें भी। एक तो जो आरक्षण पे वीपी सिंह के आंदोलन हुए थे वो लंबे चले थे, दूसरे जो राम मंदिर को मुद्दे लेकर के चले थे वो चले थे, और इवन आजादी से पहले भी ऐसे वाक्य सुनने में नहीं आए कि इस तरह से लोग वो जो भी राज कर रहे थे वो ज्यादा ही सीधे करते थे
सीधे मतलब जो करना होता था एक्शन लेते थे, पर इस तरह से लंबे लंबे आंदोलन तो गांधी जी के टाइम में चले हैं, खूब लंबे लंबे। जी बिल्कुल राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि संघर्ष को सलाम करने वाली संघर्ष वाली पार्टी रही है, धरने प्रदर्शन यात्राएं, पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे लाठीचार्ज भी झेलने पड़े, उनको जेल भी जाना पड़ा, उसके बाद पार्टी आज इस स्तर पे पहुंची है, संघर्ष के बदौलत मिली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज संघर्ष को बीजेपी को चुपते हैं, जैसे दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल कोई भी अगर धरना प्रदर्शन कुछ करता है तो उन्हें अलग अंदाज में पेश किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी तो कहा करते थे कि अगर सरकार कहीं पे किसी की भी हो, अगर प्रतिपक्ष नहीं होगा, विरोध करने वाले लोग नहीं होंगे तो सरकार को कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। देखिए अभी मीनाक्षी जी ने जो बात कही, उन्होंने जेएनयू का नाम लिया कि बोले वो प्रदर्शन करते हैं तो इनको राष्ट्रवाद दिखता है। क्या ये जेएनयू में जो नारे लगे थे वो आप सहन करती हैं क्या मीनाक्षी जी? थोड़ा विचार करिए। मीनाक्षी जी आपका नंबर आए तब आप बोलना, मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसे आंदोलनों को कभी भी समर्थन मत करो। अभी जैसे गोयल साहब ने कहा कि मुद्दा होता है हरियाणा का और बोलता है भोपाल में, और जब मुद्दा हिंदुस्तान का और अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? कोई कोई गायिका मुझे बताइए, कोई सिंगर, मैं एक बात जानना चाहता हूं यहां पे। देखिए मैं एक बात राठौड़ साहब जानना चाहता हूं, अगर मान लो रिहाना ने या ग्रेटा ने किसी ने अगर ट्वीट भी किया, अगर उस पे किसी ने रीट्वीट कर दिया, मुझे तो एक बात बताइए कि वो देशद्रोही हो गया अगर किसी ने रीट्वीट भी कर दिया तो। अगर हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, अगर कोई बाहर की सेलिब्रिटी हमें सपोर्ट करते हैं, किसान के दर्द को समझती है, तो आप कहते हैं कि बाहर का हमारे आंतरिक मुद्दों में आप आवाज ना, देश कैसे टूट सकता है? ये थोड़ा समझ के बात, हमारा देश इतना कमजोर है किसी आंदोलन के समर्थन में अगर कोई इंटरनेशनल कैसे जाएगा, ये थोड़ा समझना चाहते हैं हम। किस एक बात आपसे पूछूं सर, माइग्रेंट्स ने आंदोलन किया उन्हें कुचल दिया गया, जेएनयू में आंदोलन हुआ उन्हें आतंकवादी कहा गया, किसानों में आंदोलन कैसे थे उन्हें आतंकवादी कहा गया, क्या किसान ने आंदोलन आपने आतंकवाद का नाम लिया, नारे लगे थे मदन जी मीनाक्षी जी, मैं रोकना चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, रुकेंगे सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए अब जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर बात करें किसानों के चक्का जाम की। मैं ब्रेक से पहले मदन राठौड़ साहब के पास में था, मदन जी आपके पास में लौटूंगा, लेकिन अभी हमारे साथ झारखंड रांची से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप जी जुड़ गए हैं। राजेश जी स्वागत है आपका जन टीवी में। चक्का जाम को लेकर के कांग्रेस पूरे देश भर में सक्रिय रही, लेकिन किसान चाहते हैं कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए, सपोर्ट आप बेशक करिए। जी देखिए, कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे मैं हूं या कोई अन्य हो, सारे लोग खेती गृहस्थी से जुड़े हुए लोग हैं। ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, ये तमाम लोगों पे लागू होता है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान हूं, ठीक है, राजनीति करना अलग चीज है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ रहना अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान तो हूँ, इसका दूरगामी परिणाम तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए चूंकि किसान का आह्वान था, चक्का जाम का एक सांकेतिक आह्वान था, हम लोगों ने उसका समर्थन किया। जी लेकिन कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस भी इसी तरह से सड़कों पे या पार्टली आप सपोर्ट करेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए एक चीज है, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही एक मांग की है, आदरणीय सोनिया जी ने भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा है, और हमारे हम लोग झारखंड में खास करके इस कानून का शुरू से ही ये कह रहे हैं कि किसानों का मांग है कि
किसानों का मांग है कि इस कानून, तीनों कानून को वापस लिया जाए। देखिए किसान जिस प्रकार से आंदोलनरत हैं, आज 70-75 दिन से ऊपर हो रहा है यह आंदोलन, और लेकिन सरकार वार्ता के नाम पे आज भी सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है। तो देश जो सत्ता चला रहा है वो किसान को माइनस करके नहीं चला सकता है। देखिए आज अगर इतने दिनों से किसान परेशान है, खुला आसमान में ठंडी, इतनी कड़क की ठंडी है, धूप है, बरसात है, उसमें सारे लोग खुले आसमान में रह रहे हैं, लंगर चला करके खाना खा रहे हैं, घर परिवार को छोड़ करके, आखिर क्यों? देखिए ये अगर बात कर रहे हैं तो इनसे पॉजिटिव बात करनी चाहिए। इतना दिन कोई आंदोलन होता है वो भी हमारे अन्नदाता, लेकिन आज के तारीख में अगर हमारा रीढ़ ही टूट जाए तो शरीर का क्या औचित्य है? आज की तारीख में 70% से ज्यादा लोग खेती गृहस्थी से जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतवर्ष के तकरीबन 90% से ज्यादा लोग खेती गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, और जो खास करके जो कॉमर्शियल खेती करते हैं उनकी स्थिति तो बहुत दयनीय हो जाएगी, उनकी स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। हम तो किसान के साथ में है और उनके मांग के साथ में हमेशा खड़ा है, और आने वाला दिन में तो हम तो गुजारिश भी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में तुरंत लेकर के उनकी बातों पे विचार करके उनका जो मांग है, उनका मांग है, उस मांग को आपको पूरा करना चाहिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में वापस, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा, यश गोयल साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ, मैं एक बात यहाँ जानना चाहूंगा और ये कड़वा सच में एक बार सबके सामने रखना भी चाहूंगा, वास्तव में किसानों के प्रति राजनीतिक दलों की हमदर्दी है या फिर वोट की फसल साफ दिखाई दे रही है कि किसान एक बहुत बड़ा खेत है जिसमें वोट की फसल कोई भी काटना चाहता है। किसी भी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, महिला, मजदूर, किसान, बेरोजगार, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, ये चार शब्द ऐसे होते हैं कि जो राजनीतिक दलों को उठा करके ले जाके चलने वाले हों, और हर कोई इनकी फसल काटना चाहता है। नहीं योगेंद्र जी, मैं इसका ऐसा नहीं मानता। इसकी सीधी सी वजह है, आंदोलन बाद में शुरू हुआ है, उससे पहले कांग्रेस ने, खासतौर से कांग्रेस जो अपोजिशन में रहना चाहती है, भविष्य में बहुत मजबूती के साथ या सत्ता में आना चाहती है, उसने सबसे पहले अपने रूल स्टेट्स में अपने बिल ला करके प्रस्तुत कर दिए, हम तंत्र के बिल्स को नहीं मानते और हमारे ये एक्ट हैं जो कि गवर्नर के पास मौजूद है, आगे भेजने के लिए वो नहीं भेजेंगे। तो एक तरह से वो राजनीतिक प्रयास नहीं है कांग्रेस का, और दूसरी पार्टियों का भी नहीं है। अब जो एनडीए से जुड़े हुए दल थे, एक आज भी एक अलग हो गया है केरल में, और अपने यहाँ राजस्थान में आरएलपी अलग हो गया, तो वो राजनीति के लिए अलग नहीं हुआ है, वो किसान के लिए अलग हुआ है। आरएलपी वाला कितना मेहनत कर रहे हैं, और वो पंचायतों में भी आ गए, नगर निगमों में भी आ गए, सब जगह आ गए, तो ऐसा नहीं है कि सारे कर रहे हो। कुर्सी कौन बचा रहा है, सवाल उसका है, सवाल इसका नहीं है कि वो राजनीति, अभी तो चुनाव है नहीं इन राज्यों में जहाँ ये आंदोलन हो रहा है, तो वो ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लगता है। और फिर सब जो है अपोजिशन पार्टी जो है विधानसभा में अप्रोर क्रिएट कर रही है, मैदान में नहीं है। अन्ना जो संगठन व आंदोलन कर रहे हैं वो उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे से मंच शेयर करिए, जब मंच शेयर नहीं करने दे रहे टिकेट और दूसरे यूनियन के जितने संगठन है, तो ये राजनीति सिर्फ किसानों की ही है, उसका मेरे ख्याल से किसी से लिंक करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले बिल पास हो चुके हैं स्टेट्स में, वो लागू होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं होते? तो इस तरह से हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, सहभागिता आंदोलन में बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क पे किसान लड़ रहे हैं तो संसद में तो जो जनप्रतिनिधि है वही लड़ सकते हैं, वाजिब है। उनका लिहाज से कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रेशर भी बहुत जरूरी है अगर कानून वापस लेना है तो। राजनीतिक प्रेशर भी जरूरी है और सहानुभूति भी है, उनके साथ जुड़ाव भी है, भाई जिनको जहाँ बोलना है वो वहां बोल रहा है, आज कोई भी उनके मंच को शेयर नहीं किया है। चले अब वापस आ रहा हूं मैं, मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी आप कुछ कह रहे हैं अभी? मैं ये कह रहा था कि यश गोयल जी ने वो रघुनंदन शर्मा जी का वो एक स्टेटमेंट आज पढ़ा, उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि 1987-88 में राजीव गांधी इसको लाना चाहते थे, इसी बिल को, वायदा कारोबार और वायदा खेती को लाना चाहते थे, और रघुनंदन शर्मा ने उसका विरोध किया था। ये बात आज आपने पढ़ा होगा ना पूरा लेख, उस रघुनंदन जी शर्मा का, आरएसएस के जो और एक्स एमपी है उन्होंने। तो जब कांग्रेस ये लाना चाहती थी तब तो कोई बात नहीं, आज इसको ये हम लाना चाहते हैं तो ये विरोध में खड़े हो गए। ये केवल राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है।
और अभी मगर जैसे ये राठौर साहब सही कह रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं एक मिनट यस गोयल जी को बोलने दीजिए, एक मिनट यस गोयल जी को बोलने दीजिए। तो अगर कोई यस नहीं यस गोयल जी बात को मानेंगे आप, नहीं मैं बात मैं इनकी बात मान रहा हूँ, मैं इनकी बात मान रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रघुनंदन जी ने ये कहा, रघुनंदन जी ने ये बहुत साफ कहा है कि मैंने पूरी न्यूज नहीं पढ़ी इनकी, टुडे पढ़ के नहीं सुनाई। टुडेज एरोगेंस ऑफ पावर हैज गॉन टू योर हेड, व्हाई आर यू लूजिंग द मैंडेट, वी आर एंडोर्सिंग ऑल रॉटन पॉलिसीज ऑफ बिग कांग्रेस, इट इज नॉट इन अवर इंटरेस्ट। उन्होंने कहा जो कांग्रेस की रॉटन पॉलिसीज है उनको रिजेक्ट करना चाहिए, उनको हमें गले नहीं लगाना चाहिए। कह रहे हैं एंड लीकेज इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पिचर, जो है अगर पॉट में से पानी निकलेगा तो वो बर्तन खाली हो जाएगा। सो इज विद दिस मैंडेट, हमारा मैंडेट खाली हो जाएगा अगर आप यही करते रहेंगे। उन्होंने ये बात मैं कहना चाहता था कि कांग्रेस ये लाना चाहती थी। हाँ तो आप ये ला रहे हो उनको, ये कह रहे हैं आपको ला रहे हो उसे। नहीं मैं यही बात कह रहा हूँ, नहीं कांग्रेस किस बात से विरोध कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ ये संजय जी से। आप लोगों को सर ये भरोसा था कि चलिए हम लेके आएंगे, कांग्रेस तो हमारा साथ देगी ही देगी, ये मान संजय जी जवाब दें। आपको भरोसा था कि कांग्रेस हमारा साथ देगी? नहीं आरएसएस तो शुरू से ही विरोध में था, आरएसएस तो शुरू से विरोध में था। ये बात बहुत दुर्भाग्य की बात है, अतीत के पन्नों को संजय जी इस बात का जवाब दे, कांग्रेस लाना चाहती थी, नेता लाना चाहते थे, राजीव गांधी इसको लाना चाहते थे, तब हमने तो आज आप किस बात से विरोध कर रहे हो? गलत ठहराते हैं, हम अतीत के पन्नों में नहीं जाना चाहते हैं। कौन लाना चाहती थी आज हमारे सामने लाके किस पार्टी ने खड़ा किया है, और ये पार्टी विशेष की बात नहीं है। इस महामारी में बात सुने, इस महामारी जैसी जो बीमारी में भी अगर किसी ने बाहर निकल के काम किया है तो वो किसान है जिन्होंने अपने खेतों को नहीं छोड़ा, अपनी खेती नहीं छोड़ी। और किसान ने मीनाक्षी जी को जवाब देना चाहूंगा, मीनाक्षी जी बतौर की जो डिमांड थी उसको पूरा किया, सिर्फ किसान था जो अपनी इतनी महामारी में भी अपनी जो है खेती पर जाकर उसने काम किया है। और हमारी जो जीडीपी जो 24% जीडीपी हमारी नीचे गई, केवल किसान है जिसने प्रॉफिट दिया इस देश को। आज उस देश को हमारी देश की सरकार, इस किसान को हमारी देश की सरकार क्या दे रही है? बीजेपी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी सरकार सिर्फ इतना बता दे ये हमारे ऊपर 3 काले कानून क्यों थोपे गए। एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, आप बताएं 35 मैं बता रहा हूँ पदार्थों की अगर डिमांड पूरी की तो मैं बता रहा हूँ क्या किसान कि देश का पहले विरोध किया। आज देखिए हमारी तरफ आके पार्टी उंगली उठाती है कि आतंकवादी बैठे हैं, हमें दुख आता है कि इस महामारी में किसान ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, हमारे देश की उन्नति करवाई। और आज कांग्रेस की लड़ाई में तलवारें नहीं लहराते तो हम आतंकवादी नहीं कहते, किसानों के हक की लड़ाई पर झंडा नहीं लहराते आपने। आपने अगर हमारे सपोर्ट में सबने बर्दाश्त किया क्योंकि आप
कहना चाहते थे कि हमारी सहनशीलता का दुरुपयोग हुआ। हमारे लिए मैं रोकना चाह रहा हूँ, मैं मीनाक्षी जी राठौर साहब को रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ मृग्या मुकाम गुरुगांव से जुड़ी, मृग्या जी हमारे साथ गुरुगांव से जुड़ी हुई है। मृग्या मुकाम किसान आंदोलन के लिए पहले दिन से संघर्ष कर रही है। मृग्या जी आपका स्वागत है जन टीवी में। एक्चुअली आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ, पर मैं ये मान रही हूँ कि आज आप आज के चक्का जाम के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से मैं जुड़ी हूँ और आज के चक्का जाम में मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं खेड़ा बॉर्डर गई थी। हमारा सिर्फ ये कहना है, देखिए चक्का जाम लगाना हम को असुविधा नहीं करना चाह रहे, हमने एक्सटेंशन सर्विसेज सभी चालू रखी और हमारा सिर्फ अपना संदेश सरकार तक पहुंचाना है। जो संदेश सरकार को है कि तीनों कानून वापस ले, ये कानून बिल्कुल किसी भी तरह से किसान के हक में नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी ये देश के हक में नहीं है, ये देश हित में होगा कि जल्दी से जल्दी तीनों कानून वापस ले जाए। और किसान यहाँ किसी खुशी से नहीं बैठा है, पिकनिक मनाने के लिए सड़कों पर नहीं बैठा है, किसान यहाँ मजबूरी में बैठा है। इसलिए मैं ग्रस्त लोगों को कहना चाहूंगी, मैं व्यापारियों को कहना चाहूंगी, मैं सबको कहना चाहूंगी, ये जो किसान आंदोलन है खाली किसानों का ना समझे, ये आम आदमी आंदोलन है। क्योंकि जब मार पड़ेगी तो वो सबको पड़ेगी और जबरदस्त पड़ेगी। जी सर जी बिल्कुल। कच्छप साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। राजेश जी 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 आपके पास आना चाहूंगा। मदन राठौड़ साहब को अभी आपने सुना कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, बीजेपी की समस्या बाहर है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 1987-80 में आप लोग खुद लेकर के आना चाह रहे थे इसे, वही कानून तो बीजेपी लेके आई है। राठौड़ साहब को सुना अभी आपने, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए एक चीज है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग अतीत को कि नहीं, आप ढेला मारे तो हमको भी पत्थर मारने दीजिए ना, आप तो चलाए थे आप हमको भी पत्थर मारने दीजिए ना। ये मतलब आज के तारीख में जब किसान लेना नहीं चाह रहा है तो भैया आप जबरदस्ती देना क्यों चाह रहे हो? आज के तारीख में समर्थन में निकाल दीजिए, अगर उतना ही ये है तो आप इस बिल के समर्थन में लोगों को निकाल दीजिए। आज आज बड़ा बड़ा विचित्र बात है, आज बड़ा दुर्भाग्य है। आज मैं आज आज की ताजा घटना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब चक्का जाम हुआ रांची में, चक्का तो मैंने ट्रक वाला से पूछा, मीडिया के साथी भी थे, तमाम लोग आकर के बैठ गए कि नहीं ये कानून अच्छा नहीं है भैया, ये कानून, इस कानून से हम लोग गुलामी को चल जाएंगे। देखिए एक आम आदमी ट्रक चलाने वाले भाई साहब ने ये बात को कही, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में लोग जान रहे कि इस कानून के माध्यम से इस देश के किसानों को उनके खेत में ही हम उनको बंधुआ मजदूर बना करके रख देंगे। तो कहीं ना कहीं अपना अच्छा और अपना बुरा को किसान समझ रहे हैं। और चूंकि ये राजनीति को आप छोड़ दीजिए, इस वैश्विक महामारी में भी जिस प्रकार से हमारी जीडीपी को किसान भाइयों ने संभाल करके रखा, उनकी सराहना ही करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप अगर इस बिल को लाने का अगर प्रयास भी कर रहे थे, को लाना भी था, कम से कम इस बारे में इस मुद्दे पे बहस तो कर लेते भैया। आज के तारीख में विरोध हो रहा है, आप अड़े हुए हैं। आज आप किसान को खालिस्तान, कभी किसान को पाकिस्तान, ये क्या है? किसान को किसान रहने दीजिए। जी जी राठौड़ साहब, देखिए राठौड़ साहब सुना आपने? मैंने सुना, किसान का हम आदर करते हैं, किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान करते हैं। खालिस्तान हमने नहीं कहा, लेकिन खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तब हमने कहा, वहां तलवारें चलाई गई तब कहा, हिंदुस्तान को शर्मिंदा किया गया तब कहा। किसान अच्छा, हमने सहानुभूति इतनी रखी, हमारी सरकार ने इतनी सहानुभूति रखी कि वहां गोली नहीं चलाई, गंदे नहीं चलाए, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कि किसान का आदर यही है। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहता हूं एक बात कि क्या किसान, क्या भारत के किसान कहीं दूसरे देश में आज उनके उनके रास्तों को रोकने के लिए कील लगाया जा रहा है, उनको रोकने के लिए वहां पे ईंट का दीवार लगाया जा रहा है? क्या इस देश में दीवाने हो गए हैं क्या? अब एक बात आप सुनिए कि जो 26 तारीख का जो हुआ घटनाक्रम, क्या उसको दोहराया जाना चाहिए? उसको रोकने के लिए मतलब
मतलब मतलब मतलब कहने का मतलब है राठौर साहब, कहने का मतलब है कि किसान, आपको लगता है कि किसान आज के तारीख में हथियार उठाएंगे? किसान आज के तारीख देखिए आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। आज 70 दिन से ज्यादा दिन हो गया, शांतिपूर्ण तरीका से वो लंगर चला रहे, शांतिपूर्ण तरीका से बैठे हुए। सरकार को अभी तक में वार्ता कर लेनी चाहिए और उनकी जो समस्या है समस्या का निदान कर लेना चाहिए। ये तो उनके बेकाबू था ना ये आंदोलन, किसान नेताओं के काबू में नहीं था आंदोलन, इसलिए ऐसी स्थिति फिर से पैदा नहीं हो, इसको रोकने के लिए ये देखिए पूरे सिर्फ आप छोड़ दीजिए, पैदा ना हो इसे रोकने के लिए किलेबंदी करी जाएगी, तार फेंसिंग जिस तरह की बॉर्डर्स पर भी नहीं होती किसानों के लिए होगी, हमारा इंटरनेट ठप कर दिया जाएगा, हम किसी से वार्ता नहीं कर सकते, हमसे कोई सरकार की तरफ से मिलने नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक चीज कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, क्या उनका जो पूरा सिस्टम है वो किसानों से बात नहीं कर सकता? किसानों के जो धरने हैं, जारी तो धरने स्थल है पर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, उन चार धरने स्थल पर हमारे पास सरकार के कोई नुमाइंदा बात करने नहीं आ सकता है? नहीं रख सकते साथ हुआ वहां पे, आप आपके घर की महिलाएं नहीं बैठी सर धरने पे, किसान बैठे हैं, किसान का परिवार बैठा है, वहां बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं बैठी हैं सर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और सर मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक क्वेश्चन आप सबसे रखना चाहती हूँ, जिस जिस देश में अमेरिका जर्मनी जैसे देशों में ये कानून लागू हुए, वहां की खेती 75% से नीचे गिर गया, सिर्फ 1% रह गई है, हमें खतरा नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए मोहन सर, मैं आपसे पूछ मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब मैं देता हूँ। पहली बात तो ये राठौर साहब, ये ऐसे फैसले मैदान में नहीं होते, ऐसे फैसले टेबल पर होते हैं। तो ये हमारी आप क्या सोचते हो कि मैदान में प्रधानमंत्री आ जाए तो वहाँ चर्चा करें? ये क्या मजाक की बात कर रही हैं आप? आप गंभीर हैं, आप जवाबदार हैं, मैं आपको जवाबदार नेता हूँ, 11 दौर की मीटिंग में जवाबदार मानता हूँ, हमारी मध्यस्थता नहीं कर सकते, मैदान पर होगा, निर्णय नहीं निकलता, आंदोलन स्थल पर होगा या फैसला टेबल पर होता है? टेबल पर फैसले हो जाएंगे सर, मुद्दों के आधार पर चर्चा होती है सर, हमारी किलेबंदी हो रही है तो फैसले की बात कर रहे हैं, हमारे देशों की बात कर रहे हैं, किसान को विकल्प है, किसान के पास विकल्प खुला है कि आज जिस तरीके से वो किसान को दुश्मन देश सरकार किसान को दुश्मन मान दिया है, आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारा मुद्दा हमारी जो हमें किलों से स्वागत किया जा रहा है, तार बंदी से स्वागत किया जा रहा है, आप टॉक करने के लिए आइए, आंदोलन बंद किए जा रहे हैं, आवाज दबाई जा रही है, आज किसान की आवाज नहीं दब सकती सर, अगर आप और कानून हाथ में ले लो, ये स्थिति फिर से पैदा नहीं हो, इसके लिए ये। लेकिन राठौर साहब किस पार्टी से बिलोंग करते थे, मुझे तो शर्म आती है, उनकी फोटोग्राफ्स, दीप सिंधु की फोटोग्राफ्स किसके साथ वायरल हुई है सर, ये किसान के साथ खड़ा होगा, वहां जी काम नहीं करता, हम भी कहते हैं गोली मारी जाती है ऐसे व्यक्ति को जब वो चढ़ा था, कहा थे अब हमारा प्रशासन जिसने चढ़ने दिया और उतर के भागने दिया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहाँ पे किसान के बीच में सरकार का एजेंट घुस कर आता है, हमारी सहनशीलता। रोकना चाहूंगा राठौर साहब, मीनाक्षी जी, राठौर साहब एक मैं बड़ा एक्सपर्ट व्यू लूंगा, एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है मीडिया का, डॉक्टर यश गोयल साहब को, और बेबाक और एक निष्पक्ष निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार की तरह हैं। सर मैं लंबे समय से ये बात सुनता आ रहा हूँ लाल किले को लेकर के, लाल किले में वास्तव में किसान आंदोलन के कर्ताधर्ताओं का फेलियर रहा है या दिल्ली प्रशासन का फेलियर रहा, या दोनों इस बात की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते? ऐसा है योगेंद्र जी, जो दिल्ली लाल किले पे हुआ है उसमें गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर है, इसको ये मालूम नहीं है कि ये आंदोलनकारी जा कहां रहे हैं और उनको प्रेरित किसने किया है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारे यहाँ जो मुखबिर सिस्टम होता था जो ये बताता था
दंगों के दौरान भी दूसरे पीछे जितने भी आंदोलन हुए ये बताते थे कि ये मूवमेंट कहाँ होगा, किधर जा रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, गवर्नमेंट फेलियर है, पुलिस किसके हाथ में बाकी दिल्ली में उसके ऊपर है, और क्यों जाने दिया। जैसा अभी मैडम ने कहा कि वो चढ़ने क्यों दिया और उतरने क्यों दिया, और उतर गया तो भाग गया, और भाग गया तो उसके लिए वो पुलिस काला हुआ है कि ढूंढ के लाओ, उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो जो खुद कह रहा था कि मैं भरा के आया, तो इससे बड़ा फेलियर क्या होगा। भरने वाले तो करेंगे, और चोरी करेगा, डाकू डाकू डालेगा, मारने वाला मारेगा, झंडा फहराने वाला फहरा भी गया, पर आपने क्या किया, अब बाद में क्या कर रहे हो। और उसके लिए आप सारी कम्युनिटी को ब्लेम करोगे, सब किसान ऐसा कर रहा है, मेरे तो बात नहीं गले उतर, इम्पॉसिबल। मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, तो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल। राठौर साहब एक बात और कहना चाहूंगा मैं, देखिए चाहे वो राकेश टिकैत हो या फिर शिव कुमार कक्का जी हो या दूसरे लोगों, जैसे ही झंडा वहां फहराया गया सबने एक मुस्त आवाज से कहा कि निंदनीय घटना है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और जो ऐसा करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी किसान नेता ने ये कहा कि सर वो पहराने दीजिए और हम उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, किसने कहा? मैं एक बात आपको तो मैं ये नहीं कहता कि इस प्रशंसा की, लेकिन एक वो यही चाहते थे, ऐसे यही चाहते थे कि यहाँ गोलियां चले और मरे और ये सरकार बदनाम हो, और हमने वो नहीं होने दिया, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। पहली बात तो ये, हमने ये उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जो उकसाना चाहते थे इन किसानों को, और वो आतंक फैलाना चाहते थे, राठौर साहब वहाँ गोली चलती और लाशें बिकती, हमने ये नहीं होने दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब आप ये बात कहें कि किसी किसान नेता ने ये नहीं कहा, क्या पंजाब के किसानों ने ये नहीं कहा, ये नेताओं ने नहीं उसकी प्रशंसा की, उनके उनके ये जो गोयल अपने गांधी प्रियंका गांधी उसके जो ट्रैक्टर में जो एक शहीद हो गया था उसके वहां पर जाकर के और इस प्रकार का उसको उत्साहित करने का प्रोवोक करने का प्रयास नहीं किया क्या? ये सब क्या है, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्यों कांग्रेस परोक्ष रूप से इन किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, ये ऐसा क्यों करने जा रही है? राजेश का अच्छा जवाब लूंगा मैं। प्रियंका गांधी जो ट्रैक्टर चल रहा है वहां पे हाई स्पीड से दौड़ाया जा रहा था, उसका जो चालक या उसमें गिरने से कोई दबकर के किसान मरा, क्यों बैठने गई प्रियंका गांधी? राठौर साहब का सवाल है ये, जो सवाल को फिर से दोहराएंगे क्या? कच्छप साहब सवाल यह है, अभी राठौर साहब को आपने सुना, इनका साफ कहना था कि शहीद बता रहे हैं जो किसान उस दिन वॉयलेंस में इन्वॉल्व थे वो वहां उनकी उपस्थिति, वो अगर ट्रैक्टर से गिरने के बाद मर गए, वो प्रियंका गांधी क्यों हमदर्दी जताने की? इसका मतलब सीधा है कि जो उपद्रवी थे कांग्रेस का उनको सपोर्ट था, ये इनका सवाल है आपसे। देखिए आंदोलनकारी किसान है, लेकिन उस झंडा लाल किला, मैंने कहा कि जिस लाल किले पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस लाल किले पे आखिर आप, मैं सिंधु साहब का जो जिनका फोटो आया पूरा वायरल हुआ, वो किनके साथ उनका पिक्चर दिख रहा है, किनके साथ उनका फोटो चल रहा है, ये भी तो बताए ना। और आज के तारीख में प्रशासन कहाँ छुप गई थी? कहने का मतलब है कि किसान के प्रति प्रियंका जी को हमदर्दी है, किसान आंदोलन के प्रति प्रियंका जी को हमदर्दी है, लेकिन प्रियंका जी ने ये नहीं कहा उस झंडे को, झंडे पे चढ़ करके जो झंडा बदली किया उसको प्रियंका जी ने कभी नहीं कहा कि ये अच्छा काम किया है। देखिए जिस प्रकार से किसान आंदोलन बदनाम करने के लिए एक साजिश रच करके, चलिए समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं कच्छप साहब रोकना चाहूंगा। लगता है कि सरकार ने ही साजिश किया, सरकार ने ही साजिश किया और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया। हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं राठौर जी के पास ही आना चाहती हूँ। दीप सिंधु को पकड़ने के लिए 5 लाख का इनाम रख दिया जाता है, राकेश टिकैत जी को अरेस्ट करने के लिए पूरी मिलिट्री लगा दी गई, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स वहां लगाई गई, सारी जो हमारे मेन सोशल मीडिया स्ट्रीम के रिपोर्टर्स हैं वहां खड़े थे, उनकी गिरफ्तारी को दिखाया जाएगा। वहां पर इतनी मिलिट्री की जरूरत थी एक किसान नेता को पकड़ने के लिए, और आज वही जन सैलाब है जो इनकी भी आंखें खुली होंगी, सरकार की आंखें खुली होंगी, जिस तरह की हमारी रैलियां होंगी, जिस तरह की हमें जन पंचायत लाखों की तादाद में मुजफ्फरनगर, शामली, खंडेला,
हमारी कल दादरी में है, हमें इतने एक बात आपको बताऊं, लेवल पर हमें मेरे से सवाल किया रहे हैं, हमारा स्वागत किया जा रहा है, हमारे नेता को एक राष्ट्र नेता के रूप में उन्होंने देखा है कि किसान के हक के लिए जो व्यक्ति लड़ाई करता है उसका मान सम्मान पूरे देश में मैं माफी चाहूंगा समय कम है मैं रोकना चाहूंगा राठौर साहब, मैं माफी चाहूंगा, आप सभी को रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के लेवल वाप सबके सामने है कि 2 अक्टूबर तक अगर कानून वापस नहीं होता है तो किसान इससे आगे आंदोलन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार को मोहलत दी गई है कि आप 2 अक्टूबर तक इसे वापस ले लीजिए। संसद का सत्र चल रहा है, देखना होगा कि आगे क्या करवट लेता है ये आंदोलन और सरकार का क्या रुख रहता है। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।